हाय चिल्ड्रेन, वेरी गुड आफ्टरनून। दिस इज एल के त्रिपाठी, योर एसएसटी टीचर फ्रॉम एलपीएम पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव ए न्यू वीडियो। एज इन प्रीवियस वीडियो दैट वाज ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट वाज ए स्मॉल चैप्टर, दिस चैप्टर ऑफ हिस्ट्री विल इनेबल अस टू गेट मच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री। सो द टॉपिक इज हाउ, व्हेन एंड वेयर। These three things are very much important about the history to know. Any historical events which has taken place in the past, how can we come to know about that? So in early time, there was a heated debate, there was a serious discussion about the historians and among the historians about the exact date and events and place. Actually, which ruler was crowned and which battle took place when and where. So there was a serious discussion between them. So ultimately it was found that there is need of exact date and location. Since then, the records of the history was kept safely for the further study and information. And sometimes history is such a subject people talk about that it is a very boring subject, but this is not. This is very interesting subject. Your intense attention is required to come to know about that. Without history we cannot follow the examples, where we can't follow the practice, tradition and other type of things which has passed in the early time. So nowadays, all the practices, our rituals, practices, and other type of traditions, customs, rules and regulations, which we follow in today's society, that is all given by the past time. So it is very important to study about that. So three things, how, when and where, कैसे, कब और कहाँ, ये history तीन चीज़ों पर depend करती है, कि जो भी घटनाएं हुई कैसे हुई, कब हुई और कहाँ हुई। इसमें से रीजन होता है क्यों हुई, कब हुई, कैसे हुई, क्यों ये फाइट हुई, कहाँ पर हुई, क्या कारण था इसका। ये चीज़ें अगर ये कोई भी ऐसी फेनोमेना या कोई भी ऐसा इवेंट और इंसिडेंट होता है तो कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। तो जब तक हमारे पास एग्जैक्ट डेट और प्लेस नहीं रहेगा, उसके बारे में जो भी रीजंस रहेंगे, जो फैक्टर्स हैं, वो नहीं अवेलेबल रहेंगे, तो दिस इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू नो द हिस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट इट, हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स। डेट्स का महत्व इतना जो है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है डेट। देयर वॉज ए टाइम वेन हिस्टोरियंस वेयर फैसिनेटेड विद डेट्स। There were heated debates about the dates on which rulers were crowned or battles were fought. जो मैंने अभी कहा कि ये बहुत ही heated debate historians के बीच में था कि कौन सा राजा कब शासक हुआ, कैसे हुआ और कौन सा ऐसा युद्ध था, कौन से ऐसे युद्ध हुए और कैसे हुए, कब हुए, when, where and how. In the common sense notion, history was synonymous with dates. You may have heard people say, आप एक synonymous dates हैं इसके, जो है एक लमसम dates इसके बने हुए हैं और बहुत सारे इसमें exact dates भी हैं। अब आपने जो है कई बार आपने सुना होगा ये कहते हुए कि आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स। इस सच ए कॉन्सेप्शन ट्रू। कभी कभी ये बात सुनने में आती है कि बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें डेट्स को मेमोराइज करना पड़ता है, जानना पड़ता है कि ये कब हुआ था, कैसे हुआ था।
क्या ये कॉन्सेप्ट ट्रू है, ये ऐसा कॉन्सेप्शन रखना क्या सही होगा? तो आप कह सकते हैं बिल्कुल सही नहीं होगा। हमको किसी भी चीज़ की घटनाओं के डेट्स को, समय को, उसके स्थान को, उसके कारण को जानना बहुत ज़रूरी है। अनटिल वी डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन एंड थिंग्स, टिल देन वी कैन नॉट नो द एग्जैक्ट फेनोमेना ऑफ एनीथिंग। हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट ऑकर ओवर टाइम। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वेयर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। एज सून एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट, वी रेफर टू टाइम, वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। जैसे ही हम पास्ट को कंपेयर करते हैं प्रेजेंट से, हम सबसे पहले टाइम को ही रेफर करते हैं। कब? ये ऑटोमेटिकली दिस क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड। वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। हम किसके बारे में बात करते हैं? बिफोर एंड आफ्टर के, पहले और बाद के बारे में बातें करते हैं। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस। जब हम हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हम पूछते हैं ऐसे किसी भी, हम संसार में रहते हैं जहाँ पर ऐतिहासिक कोई भी हिस्टोरिकल क्वेश्चंस को हम पूछते हैं, और जो भी चीज़ें हम अपने चारों तरफ देखते हैं, तो ये क्वेश्चन हम पूछते हैं। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एज इफ व्हाट वी सी हैज ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहेरिट, बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर moments of wonder. When we are curious and we ask questions that actually are historical, watching someone sip a cup of tea at a roadside tea stall, you may wonder, when did people begin to drink tea or coffee? जब कभी भी हम रोड साइड में चलते हैं या कहीं भी घूमने के लिए निकलते हैं, तो किसी भी चीज़ को हम देखते हैं, तो हमारे दिमाग में हिस्टोरिकल क्वेश्चन आ जाता है। कैसे? इफ सपोज दैट इफ समवन इज टेकिंग टी और कॉफ़ी बिसाइड्स द रोड, टू द साइड ऑफ रोड, so the question comes in our mind, the tea coffee taken by the people, when did actually it start to take? ये कॉफ़ी और टी का प्रचलन, इसका पीना कब जो है आया इस संसार में या इस समाज के बीच में? ऑटोमेटिकली ऐसे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आ ही जाते हैं। Looking out of the window of a train, you may ask yourself, जब कभी ट्रेन से यात्रा करिए, तो विंडो से आप जब झांकते हैं, जब आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। जैसे आप खुद से ये क्वेश्चन पूछते हैं, when were railways built and how did people ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज बिफोर द एज ऑफ रेलवेज। तो ऑटोमेटिकली द क्वेश्चन वंडर इन आवर माइंड, वेन डिड रेलवे स्टार्ट एक्चुअली, एंड वेन पीपल स्टार्टेड टू ट्रेवल फ्रॉम दिस ट्रेन, फ्रॉम दिस ट्रेन फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज। रीडिंग द न्यूज़ पेपर इन द मॉर्निंग, यू मे बी क्यूरियस टू नो how people got to hear about things before newspapers began to be printed.
और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सवेरे तो आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं जानने के लिए कि जो न्यूज़पेपर प्रिंट हुआ था ये प्रिंट होना कब शुरू हुआ था, कब इसकी शुरुआत हुई। ये है हिस्ट्री। ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रेफर टू बैक टू नोशंस ऑफ टाइम। इस तरह के सारे हिस्टोरिकल क्वेश्चंस जो हैं ये हमको दे पुश अस टू द पास्ट टाइम। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइसली डेटेड इन टर्म्स ऑफ द पर्टिकुलर ईयर ऑफ ए मंथ। लेकिन जो समय है ये हमेशा जो है अच्छी तरह से जो इसका डेट है पर्टिकुलर ईयर है और मंथ है उसमें मेंशन नहीं हो पाता है, इसके लिए थोड़ा सा इधर उधर होना पड़ता है। समटाइम्स इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट। कभी कभी ये डेट और टाइम इनकरेक्ट होता है। टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स टू प्रोसेसेस दैट हैपन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे। They develop a taste for it over time. There can no one clear path for a process such as this. Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established or the national movement started or changes took place within the economy and society. All these things happened over a stretch of time. ये सारी चीज़ें जो है ये समय के साथ साथ ये सारी चीज़ें होती गई। We can only refer to a span of time। हम केवल जो है एक span of time को refer करते हैं और उसी के बारे में हम जानते हैं। We can only refer to a span of time, an approximate period over which particular changes become visible। हम केवल उस स्पैन ऑफ टाइम को ही रेफर कर सकते हैं, उस समय काल की जो बातें रहें, एक एप्रोप्रिएट पीरियड जो भी पर्टिकुलर चेंजेस आया देखने में उस एप्रोप्रिएट पीरियड को हम हिस्ट्री के थ्रू इसको विजुअलाइज करते हैं, इसको हम दर्शाते हैं। Why then do we continue to associate history with a string of dates? This association has a reason. There was a time when history was an account of battles and big events. It was about rulers and their policies. Historians wrote about the year a king was crowned, the year he married, the year he had a child. तो उस समय के जो contemporary, जो समकालीन जो writers, court writers है, chronicles है, जो दरबार में लेखक होते थे, कवि होते थे, record makers होते थे, वो उन्होंने राजाओं के बारे में, rulers के बारे में, लड़ाइयों के बारे में, उस date, time को जैसे राजा की कब राजगद्दी हुई, when was the king crowned, when he got child in his family, कब वो पिता बना, कब वो लड़ाई पर गया, कब उसकी शादी हुई, ये सारी चीज़ें जो हिस्टोरियंस होते थे उनके कोर्ट में उन्होंने इस चीज़ को
लिखा। फॉर इवेंट्स सच एज दिस स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमिन, इस तरह से जो स्पेसिफिक डेट्स है उसको हम डिटरमिन करते हैं, उसको जानते हैं उनके द्वारा जो लिखा गया है। एंड इन हिस्ट्रीज सच एज दिस डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पॉर्टेंट, इस तरह से जो भी डिबेट हिस्ट्री के बारे में है ये डिबेट चलता रहा और ऐसी चीज़ों के बारे में हम जानते रहे। और वीज डेट्स, डेट्स क्या है इसको जो है हम देखते हैं। बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज ए सेट ऑफ डेट्स एज इम्पॉर्टेंट, द डेट्स वी सेलेक्ट, द डेट्स अराउंड वीज वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट। डेट वो है जिससे हम पास की स्टोरी को कंपोज करते हैं, उसको जानते हैं। और एक जो है ये कितना इम्पॉर्टेंट है, इसको जानना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन, दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन ए पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पॉर्टेंट। इफ़ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, If we begin to look at new issues, a new set of dates will appear significantly. Consider an example. एक example को हम लेते हैं, consider करते हैं, क्या है? In the histories written by British historians in India. ये example है जो histories में जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने भारत में लिखा हुआ है। द रूल ऑफ ईस्ट गवर्नर जनरल वाज इम्पॉर्टेंट, तो भारत में जितने भी गवर्नर जनरल आए उनका शासन सबका महत्वपूर्ण रहा। वॉरेन हेस्टिंग्स एंड एंडेड विद द लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, पहला यहाँ पर गवर्नर जनरल भारत का वॉरेन हेस्टिंग्स था और लास्ट वाइस था इंडिया में जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वाइस था वो लॉर्ड माउंटबेटन रहे। इन सेपरेट चैप्टर्स वी रेड अबाउट द डेट्स ऑफ अदर्स, दूसरे चैप्टर्स में दूसरे के कामों को हमने जो इसमें जो भी घटनाएं रही उसको पढ़ा है, उसको जाना है। अब हम दूसरे डिस्कशन में इसको डिस्कस करेंगे, दूसरे वीडियो में इसको भेजा जाएगा आगे की घटनाएं क्या रही एंड व्हाट टाइप्स ऑफ चेंजेस केम इन हिस्ट्री एंड इट बिकेम मोर एंड मोर रिलायबल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर अस। थैंक यू।